हाल ही में सपा से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले शिवपाल के तेवर अब अखिलेश के लिए पहले जैसे नहीं रहे। नई पार्टी बनाने के बाद से शिवपाल वक्त बेवक्त भतीजे अखिलेश पर निशाना साधने से नहीं चूकते। इटावा में भी एक कार्यक्रम में बोलते हुए शिवपाल ने अखिलेश को मौका परस बता दिया। शिवपाल ने कहा कि जो इंसान अपने बाप का नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा। शिवपाल ने बुआ बबुआ के रिश्ते पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि मायावती को ना तो मैंने बहन बनाया है और ना ही नेताजी ने, तो मायावती अखिलेश की बुआ कैसे हो गई। शिवपाल ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अखिलेश ने कुछ नहीं समझा तो मैंने पार्टी बनाई। शिवपाल ने कहा, बेशक हमारा ये सफर मुश्किलों भरा है, लेकिन मुझे इस आग के दरिया में जाना है और तपकर निकलना है। आपको बता दें कि मंच से शिवपाल ने लोकसभा चुनाव में फिरोजाबाद से चुनाव लड़ने की भी बात कही। इस समय फिरोजाबाद से रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव सपा के सांसद हैं। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।